ओए अनपढ़ गवार, ये जमीन चाहिए हमें। हमें यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है। लेकिन मुझे अपनी जमीन आप लोगों को नहीं बेचनी। नहीं बेचनी मतलब? हमारा ऑफर सुनेगा ना तू? क्या तेरा बाप भी ये जमीन बेचने से नहीं रुकेगा? मेरा फिर भी ना है आप लोगों को। अबे यार तू भी किसी अनपढ़ किसान के मुंह लग रही है। अगर कोई चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। वाह बेटा, सुन रहे हो तुम इसकी बातें? हमें ना अच्छे से पता है कि तू क्या है और तू क्या कर सकता है। तुम लोग ना कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोग सिर्फ जीरो होते हो, जीरो। और वैसे भी यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे तो तुम लोगों का ही भला होगा, ताकि तुम दो चार पैसे कमा लो। किसमें फायदा है किसमें नुकसान ये आप ना बताए तो ही ठीक रहेगा। पापा, मैंने स्कूल में टॉप किया है, मैं फर्स्ट आई हूं। शाबाश बेटा। वाह, तुम जैसों के बच्चे कब से पढ़ने लग गए? क्यों, हम पढ़ नहीं सकते? तुम जैसों के बच्चे ना सिर्फ खेती कर सकते, और ये पढ़ने लिखने का अधिकार है ना सिर्फ हमें है, तुम जैसों को नहीं। मैम आप ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते, हमें भी पढ़ने का अधिकार है। बेटा तुम्हें अधिकार होता अगर तुम इस किसान के घर पैदा नहीं होती तो। मैम हम भी पढ़ लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पापा कहते हैं हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए। बेटा तेरे पापा ने ना तेरे दिमाग में गोबर भर दिया है, तुझे भी ना अपने पापा की तरह अनपढ़ ही रहना चाहिए था। सुन, इस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर, पैसे ले और निकल इस प्रॉपर्टी से। अरे तू पागल हो गई है, इसे सिग्नेचर करने के लिए बोल रही है? इसे कहाँ आते होंगे सिग्नेचर, अंगूठा लगवा इससे। देख रही है तो एक नंबर का गवार और इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। वैसे आप लोगों के लिए मेरे पास एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? आज खेत में काम करने के लिए वर्कर नहीं आए तो कुछ काम पेंडिंग है, अगर आप लोग कर दे तो। तू पागल हो गया है, हम ये काम करेंगे? ये काम है ना हम नहीं करने वाले, पैसे ले और निकल यहाँ से। लेकिन मैं तो कुछ और सोच रहा था कि अगर आप ये काम कर देंगे तो मैं अपनी जमीन आपको हाफ रेट पे दे दूंगा। हाफ रेट में? हाँ। सुना तूने, इस गवार को पता ही नहीं है कि क्या बोल रहा है। तो कर देते हैं ना काम और हाफ रेट में ये जमीन ले लेते हैं, वैसे भी कितना ही मुश्किल होगा ये काम। तुम पक्का हमें ये प्रॉपर्टी हाफ रेट में दे दोगे? हाँ, अगर आप लोगों ने काम अच्छे से किया तो मैं ये जमीन अपनी आधी रेट पे दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन काम आप लोगों को अच्छे से करना होगा। हाँ हाँ कर देंगे ये काम, वैसे भी बहुत ईजी है। और हाँ ये डॉक्यूमेंट ले, इस पे अंगूठा लगा के लेके आ जाना जल्दी जल्दी, शाम तक ये तेरे को सारा काम मिल जाएगा। देखते हैं आप लोगों से काम हो पाता है या नहीं पाता। बेटा आप इन मैडम को अच्छे से काम समझा देना कि खेत में क्या क्या काम करना है। जी पापा। दीदी मैंने आपको सारा काम समझा दिया, ये करने के बाद आप गाय को चारा डाल देना। यार ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी उन्हें हाँ बोल के। आप लोग हमसे नहीं हो पाएगा तुम्हारा ये खेतों का काम। हाँ हमें लगा था कि इजी होगा तो हम कर देंगे, बट बहुत मुश्किल था। मुश्किल था तभी तो आप लोगों से मैंने बोला। अगर मैं आपको सीधे सीधे मना कर रहा था कि जमीन नहीं बेचनी तो आप लोग बहस कर रहे थे, तभी मैंने आपको सबक सिखाने के लिए बात बोली, ताकि आपको पता चले कि खेती करना कितना मुश्किल है। आप जैसे शहर के लोगों को ये लगता है कि बहुत आसान है और बहुत इजी तरीके से हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है मैडम, बहुत मुश्किल है। जो आप खाना खाते हैं, जो आपके प्लेट में खाना आता है, उसको एक किसान को आप तक पहुंचाने के लिए महीनों लग जाते हैं, उस फसल को आप तक अच्छे से पहुंचाने में। लेकिन आप लोग ये समझेंगे कैसे? आप लोग तो बस ये सोचते हैं कि बहुत आसान है किसानी खेती करना, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और फैक्ट्री डालना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी जमीन में फैक्ट्री डालिए जो उपजाऊ ना हो, और जो उपजाऊ जमीन हो वहाँ पर खेती करने दीजिए किसान को। आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो किसान को मजबूर कर देते हैं शहर में जाने के लिए, छोटे मोटे दुकान खोलने के लिए, और वो बेचारे वहाँ पे इतने परेशान हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं सिर्फ आप जैसे कुछ लोगों की वजह से। और आप लोगों ने क्या कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ, मेरी बेटी को नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अनपढ़ तो आप लोग हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और पढ़ने लिखने का अधिकार सबको है, आप जैसों को नहीं। आप लोग सोचते हैं कि बस हम इस दुनिया में पढ़ लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, वो हर एक इंसान पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है जो चाहता है पढ़ना लिखना, हम सबको अधिकार है। आप लोगों को मेरी बातें बस ऐसे फिजूल की लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हमारा किसानी से क्या लेना देना, आपके पूर्वज भी किसान ही थे, वो भी खेती करते थे। जब मेरी बेटी ने टॉप किया तो आपने क्या कहा, ये पढ़ नहीं सकती। मेरी बेटी पढ़ भी सकती है और खेती भी कर सकती है, क्योंकि किसान की बेटी है। लेकिन आप जैसे लोग ये बातें कहाँ समझेंगे? और अगर किसान खेती करना बंद कर देगा ना तो आप लोग खाएंगे क्या? ये मत सोचना कि आप अमीर दुकान में कुछ भी खरीद के खा लेंगे,
दुकान में भी जो सामान आता है ना वो खेती से ही आता है। ये जो घमंड है आपका अमेरिका दिखावा, ये बंद कीजिए, क्योंकि घमंड ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। किसान की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि किसान बहुत मेहनत करता है। आप लोग तो दो मिनट ऐसे से बाहर निकलते हैं तो पता नहीं क्या सोचते, कहाँ आ गए, कितनी गर्मी है, लेकिन एक किसान दिन रात वो हल जोतता है, खेती करता है सिर्फ हम सब के लिए। तो प्लीज़ ऐसे हरकत दोबारा मत करना, किसी भी किसान को नीचा मत दिखाना। जो किसान कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। बेटा फाइल देना, दोबारा से मुझे अपनी शक्ल और ये डॉक्यूमेंट दिखाना मत। चलो निकलो। किसान, किसान की कभी भी इंसल्ट मत कीजिए, किसान की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर किसान नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या। भले आपके पास पैसा हो, पैसे से आप अन्न खरीद सकते हैं लेकिन उगा नहीं सकते, इसलिए किसान है तो हमारा कल है। और जितना आप रिस्पेक्ट एक बिजनेसमैन को देते हैं, एक सेलिब्रिटी को देते हैं, उतनी रिस्पेक्ट या फिर उससे ज़्यादा ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है एक किसान। तो प्लीज़ आप उनको उतनी रिस्पेक्ट दे, क्योंकि हम जैसों की वजह से ही वो सुसाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना होने दे, क्योंकि अगर किसान नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, और अन्न नहीं होगा तो हमारा कल नहीं होगा और हम नहीं होंगे। तो प्लीज़ आप उनकी रिस्पेक्ट करें और उनका साथ दे जितना हो सके। आप अगर शहर में रहते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका किसानी से कोई लेना देना नहीं है, आपके पूर्वज भी एक टाइम में किसान ही थे, हमारे पूर्वज किसान ही थे। जिस ज़मीन पे हम रहते हैं आज, वहाँ पे बहुत साल पहले खेती हुआ करती थी। तो हमेशा उनका साथ दे और इस वीडियो को हर एक दोस्त के साथ, हर एक फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। उनको दिखाइए कि किसान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से शेयर कीजिए और इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Facebook को फॉलो कीजिए। जल्दी शेयर कीजिए, रुकिए मत, शेयर कीजिए और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।